हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो देख रहे हैं वो है पांड्यास व्लॉग एपिसोड 1, टीम इंडिया की घर वापसी। हाय हाय, फीचरिंग प्रतीश मेहता। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हम अपलोड करवाए दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज जो है वो उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल ऑफ बारबाडोस एंड बरोडा। तो गाइस, अब से मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि सेमीज में जो हो तो आपको मालूम ही है ना। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि जैसे ही मैं उसके बारे में बात करता हूँ ना गाइस, मेरा पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा बीपी आने लगता है और मेरे को गुस्सा आने लगता है। तो उसके बारे में बात नहीं करते, क्या बोलते हैं? अरे अरे विकेल, तू यहाँ था क्या? पता ही नहीं था। आई यू आर ना, आई एम ओनली केला। नहीं भाई, तू विकेल ही है, वो ऑडियंस को पता है। क्यों ऑडियंस? तो क्या अब हम भारत के लिए वापिस आ रहे हैं गाइस? तो भाई तू पैकिंग शुरू कर। ए जर्सी यहीं छोड़ के जा, ये तेरा काम की नहीं बची अब। तो गाइस क्या है, अब हम भारत के लिए वापस आ रहे हैं और अपने विराट भाई पहले ही जा चुके हैं। वो पाकिस्तान को फाइनल्स के लिए टिप देने गए थे ना, तभी तो आ रही है। बाप बाप ही होता है। चलो मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? अश्विन अन्ना लो मेरी वाली दो। देखा, अश्विन अन्ना का रियल टैलेंट। चलो गाइस आगे मिलते हैं। आज मैं ऋषि के देख रही थी कपड़े, मैं लॉबी के लिए निकल गया हूं। ये देखो, ये अपने पंत का रूम है। ये अपने भूवी का रूम है। और ये अपने विराट भाई का रूम। अंदर से तो आपने देख ही रखा है गाइस, है? तो गाइस ये निकल के आ रहा है जिसने वीडियो वही है ना, तो वही है ना जो अंदर जाके विराट भाई के रूम की वीडियो बनाता है, है? सही करता है। अब से मेरी वीडियो भी यही बनाएगा, बनाएगा ना? तो गाइस आगे के ब्लॉग के लिए पार्टनर मिल गया। आजा 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 गाइस, इससे मिलो। ये डीके इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेला है, इतना अच्छा खेला है कि अगले टूर्नामेंट में सीधा कमेंट्री करेगा। मिताली ताई की टेंशन खत्म कर दी भाई तूने, थैंक यू। अरे गाइस ये देखो मेरे को रास्ते में कौन मिला, अक्षर, जिसके मार मार के इंग्लैंड वालों ने अक्षर मिटा दिए। ये कौन है? मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, केम छो, केम छो। आ भी गया मारो शेर थोड़े भाई। गाइस हमें सी ऑफ करने स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे सेक्रेटरी जय मोटा भाई। हाय बोलो गाइस। सॉरी मोटा भाई। तो आगे सब कोई देखो, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पूरी टीम खेली बहुत बढ़िया है। कब का क्या है, इस साल नहीं तो अगले साल आ जाएगा। क्यों रोहित जी? मोटा भाई मैं भी इन लोगों को वही समझा रहा था। डांट खाएगा भी। तो गलत समझा रहा था चूतिये। कप हमें इसी साल जीतना था, सबके सब हग के आए हो, किसी को फ्लाइट की टिकट नहीं मिलेगी। मोटा भाई, हाँ सिर्फ पंड्या, सूर्य कुमार, चहल और अर्शदीप जाएंगे प्लेन से, ताकि सब के सब पैदल आना इंडिया। और मैं कौन? क्या लिखा? मोटा अन्ना, अगर मैं पैदल आएगा तो हमारे शादी का डेट निकल जाएगा। शादी का डेट मिल जाएगा? बच्चा बोलना पेंसिल। पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। अन्ना ने बोला तेरी शादी कैंसिल। मैंने बोला, मैंने देखी। चूतिये तुझे शादी की पड़ी है। जय जय जय, क्या काम डाउन, काम डाउन कोच। गेम है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आवर बॉयज परफॉर्म वेरी वेल एंड गिव देयर बेस्ट। सर 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 सर, ये इनका बेस्ट है? ये इनका बेस्ट है? सर आप मुझे एक बात बताइए कि T20 में ओपनर बैट्समैन का एक आइडियल स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए? स्ट्राइक रेट इट्स अराउंड 60 to 70। 60 to 70। राहुल राहुल राहुल, नो नो नो, इट्स अराउंड 70 to 80। 70 to 80 100 100 100। अरे अन्ना 105 बोलो ना। 105
पहले व्लॉग में मारा मारी पक्का वायरल होगा। 149 गुड। नीचे जा नीचे जा। गुड। 150 अब बता। हाँ। कि एक फास्ट बॉलर की एवरेज बॉलिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? 115 गया बेटी चोर। तो गाइस अब हमारे साथ साथ भूवी भाई को भी टिकट मिल गई है पर पाकिस्तान की। भूवी भाई मकसद नहीं बोलना है, वहां जाकर सबका पेस स्लो कर दो ठीक है? पर मोटा भाई चला जा भोसड़ी के। लव यू भूवी भाई, लव यू। कितनी मुश्किल से पापा से बोलकर सेटिंग करवा करके तुम लोगों को ग्रुप बी में डलवाया था, तब जाकर के मरते मरते तुम लोग सेमीज तक पहुंचे हो। अगर ग्रुप ए अगर ग्रुप ए में होते ना तो दिवाली इंडिया में मना रहे होते। अरे मोटा भाई ऐसा भी नहीं। ए चुप, तो सबसे पहले मुझे मोटा बोलना बंद कर ढोकला। ये देख तेरे क्या क्या मीम्स आ रहे, देख 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 कि रोहित इतना मोटा है दैट ही कैन बी फिट इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम। मोटा भाई मीम्स मुझे भी आया, सुनाऊं क्या? सुनो। रोहित शर्मा ने बॉल डाली, पैर अंदर था फिर भी एम्पायर ने नो बॉल दे दी, बताओ क्यों? क्यों क्यों? बड़ा भाई पेट बाहर था ना। ये रो क्या रहा है, जनता समझाए क्या? अरे मोटा भाई रो नहीं रहा था, वो वड़ा पाव खाते वक्त मिर्ची वाला खाता क्या था? इतना खाता क्यों है, कुछ दूसरों के लिए भी बचाएगा। वो बचाया ना मोटा भाई, अर्शदीप के दो ओवर बचाया ना सेमीज में। और तो एक बात बता मुझे, जब सारी दुनिया अपने लेग स्पिनर्स को खिला रही थी तो तूने चैल से पानी को पिलवाया है? एक बॉल तक नहीं छूने दे बेचारे को। मोटा भाई बॉल तो छुई उसने एम्पायर्स की। अरे यार मुझे तो वो भी छूने नहीं मिली। तू कौन है बे? कौन है? दिख ही नहीं रहा। सब मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है। मुझे ना ये 92 वाला राइटर लेना ही नहीं था, 2011 वाला राइटर लेता ना तो एक कपाच घर पे और आ गया होता। नहीं नहीं मोटा भाई, और 92 वाला भी कहीं चला, फाइनल में आके तो देखो ना। और आईसीसी ट्रॉफीज की बात है ना तो वो तो माई भाई ऑलरेडी ला चुके हैं। जनता हमसे नाराज है ना, तो अभी एक बायलेटरल ट्रॉफी जीत के उनकी नाराजगी दूर कर देंगे हमेशा की तरह। क्यों रोहित भाई? पापा का फोन है। जेएसके पापा, जेएसके। हाँ पापा, आज के बाद ओपनिंग आप और मोटे पापा करेंगे। अच्छा इन दोनों का संन्यास दिलवा दूं? जी जरूर पापा, जी जी पापा। आ गया बस, आ गया आ गया जी पापा। आओ छो, अरे पैर जल्दी जल्दी में घर में भूल गए पापा। आओ छो, आओ जाओ मोटा भाई, आओ जाओ। हाँ तो गाइज मोटा भाई ने पहला ही ब्लॉग वायरल कर दिया है। और सही भी क्या गाइज, अरे ऐसा खेलेंगे तो ऐसे ही पिलेंगे ना। टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, टीम इंडिया के लिए खेलने वाले के पास एक स्पिरिट होनी चाहिए और आप लोगों के पास भी एक स्पिरिट होनी चाहिए हमें सपोर्ट करने की, जिसकी हमें जरूरत है अभी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तू कौन है? तू कौन है बे? ये कौन है गाइस? ये कौन है? मेरी भड़ास भी निकल गई और भड़ास के साथ साथ हंसी भी मेरी निकल गई। मेरा जो अंदर था ना कि कैसे हार सकते हैं, वो जब आए है ना मोटा भाई और जिस तरह डांटा ना, मैं बड़ी खुश हुई, मैं बड़ी खुश हुई। ऐसे ही डांटना चाहिए। और इनको इन, मेरे को लगता है कि जब टीम इंडिया वापस जाएगी, पहुंच तो गई है मेरे ख्याल से, उनको अब ऐसे डांट वांट नहीं, कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। चेंजेस आएंगे, वही मैं कह रही थी, डांट तो नहीं मारी, रियल चेंज, रियल चेंज, रियल स्ट्रॉन्ग, बहुत ऐसे चेंजेस आए कि वी कैन सी द डिफरेंस नेक्स्ट टाइम। इंडिया कभी हारना नहीं। काफी अच्छा उन्होंने क्रिटिक किया था हर एक प्लेयर के बारे में। नहीं आप लोगों के कमेंट्स में भी तो वही था कि आप देखो तो जो है शर्मा का, जो रोहित शर्मा का पेट इतना बाहर निकला हुआ है, वो क्या खेलेगा, वो सब वही 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 चीजें इसमें थी। उन्होंने वही था जो जो पीछे दिखाया था, एक बंदा जर्सी कर रहा था, एक बंदा कपड़े सूंघ रहा था, तो उन्होंने बेसिकली जो चीजें हुई है उसी पे ये स्किट तैयार किया। वेरी नाइस, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। और वही है, दिखा रहे हैं पांड्या जो है व्लॉग ही बनाता रहता है और ये मिलेगा लाइक, वो मिलेगा विराट कोहली का, वो रूम का भी पूरा
इंसिडेंट दिखा दिया निकलते हुए जिसने पूरी वीडियो ली मतलब सब चीजों का उन्होंने कंबाइन कर दिया जो हुआ। वेरी नाइस वीडियो, बहुत अच्छी तरह इन्होंने बनाया है। पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक का दुख दर्द, बड़ा अच्छी तरह उनका गुस्सा जो है उन्होंने इसमें दिखाया। आई होप कि मतलब इंडियन क्रिकेट टीम इसको देखे, बिल्कुल देखे और रिविजिट करे, अपना सोचे कि हमने क्या ये किया है, और होपफुली सभी लोग देखें और देखें कि कैसे चेंजेस करने हैं जिससे अगली बार ऐसा ना हो। दिस वाज फैंटास्टिक, मजा आ गया यार। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।